शियान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टरोलॉजी। सो गाइस, आज की एक्सपायरी बिल्कुल स्पेशल नहीं थी। हम लोगों ने देखा मार्केट रेंज बाउंड के अंदर थी, निफ्टी पॉजिटिव थी एंड बैंक निफ्टी पूरे टाइम नेगेटिव थी। 37,450 का एक क्रूशियल लेवल था जिसके ऊपर हम लोगों को एक क्लोजिंग चाहिए थी बैंक निफ्टी के अंदर, और तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक अच्छी मोमेंटम या एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर गया था 37,500 तक गया था, उसके बाद वो दोबारा नीचे आ गया था क्योंकि उस पर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हैवी था। बट मार्केट पे एक्सपायरी बिल्कुल चौपी थी, कुछ ज़्यादा हम लोगों को खास देखने को मिला नहीं। एक स्टॉक आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट करा गया था, तिरुमलाई केमिकल्स का। तिरुमलाई केमिकल्स पूरे टाइम कुछ नहीं करते रहा, नेगेटिव में ही था, हमारे स्टॉप लॉस के आसपास नहीं आया था। बट फाइनली उसने लास्ट आर में एक ब्रेकआउट दिया था एंड वो अच्छा खासा ऊपर गया था। तो वो स्टॉक मैं दोबारा सजेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक उस पर ट्रेड नहीं लिया, अभी भी एक राइट टाइम है उस पर ट्रेड लेने का। और दो स्टॉक्स और अलग से बताने वाले हैं। अब एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, नवंबर की मंथली एक्सपायरी। अब किस तरीके से ट्रेड लेना है, क्योंकि आज ओपन इंटरेस्ट का डाटा हम लोगों को शो करने को नहीं मिलेगा। आज एक्सपायरी हुई है तो बहुत सारे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुई होंगी। सो कल के वीडियो के बाद हम लोग मंडे से प्रिपरेशन करेंगे कि दिसंबर में किस तरीके से काम करा और मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से रह सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबसे पहले ट्रेडिंग टर्मिनल पे एंड देखते हैं कौन से स्टॉक्स आप लोग कल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे बाय कर सकते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा जा सके। तो गाइस, हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है तिरुमलाई केमिकल्स। तिरुमलाई केमिकल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सजेस्ट कर दिया है एंड आफ्टर अ वेरी गुड सपोर्ट, यहाँ पर आप सपोर्ट की लाइन दे सकते हैं। एक डिमांड जोन है, एग्जैक्टली इस लेवल से बाउंस कर रहा था, एक फेक ब्रेकडाउन के बाद दोबारा मार्केट के अंदर ही रिकवर करा, दोबारा एक रेंज के अंदर रिकवर करा एंड एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाने के बाद अभी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। ऑन अ इनर चैनल ये ऑलरेडी एक चैनल का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन पे दे चुका है और एक क्रूशियल लेवल था जो कि एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उस रेजिस्टेंस का भी इसने आज ब्रेकआउट दिया, दैट इज 242 रुपीज के लेवल का, और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करी है। आई पर्सनली थिंक एक अच्छी मोमेंटम दिखा सकता है। आप देख सकते हैं एक रेंज थी, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, एक रीटेस्ट करा एंड दोबारा ऊपर गया। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इसके अंदर बाय नहीं बनाई है तो करंट प्राइस जो भी चल रहा है उसके ऊपर 245 रुपीज के ऊपर आप बाय बना सकते हैं। एक छोटा सा हर्डल हमें 248 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हुए एंड वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करने को मिल सकता है। बट अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो 265 तक के लेवल्स हमें एज अ स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकते हैं विद इन अ वीक और टू। तो स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिए एंड आई पर्सनली थिंक ये आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। बात करते हैं दूसरे स्टॉक। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है एफिल इंडिया। एफिल इंडिया में अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक हम लोगों ने बहुत बढ़िया सप्लाई जोन क्रिएट करा हुआ था एंड एग्जैक्टली इस लेवल को बहुत बार रीटेस्ट करके ऑलमोस्ट मार्च से इस लेवल पे आता था एंड ऑलमोस्ट बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता था। 50% 40% तक का फॉल एक करेक्शन आ चुका है, बट आफ्टर दैट एक वी शेप रिकवरी दी है एंड रिकवर कर चुका है। दोबारा एक बार ये आया था अक्टूबर के मंथ पे इसी लेवल पे, बट दोबारा एक सेल ऑफ आया, बट एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट करके ये ऊपर दोबारा कोशिश करा है एंड अभी रिसेंटली आज के ट्रेडिंग सेशन पे इसने दोबारा उसी लेवल को अपने सप्लाई जोन को टेस्ट करा एंड मैं बहुत बार वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर कोई भी स्टॉक मल्टीपल अपने एक लेवल को टेस्ट करते रहता है और उसका जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहता है तो वहां पर ब्रेकआउट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अभी ब्रेकआउट आया नहीं है बट वी विल वेट, जैसे इसका ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो एक बार चलते हैं ना 1 आवर टाइम फ्रेम एंड बहुत इजीली यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसने एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न क्रिएट कर रखा है एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे। सो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है इस करंट लेवल्स के अंदर। आप देख सकते हैं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक 1250-1260 रुपीज के लेवल तक बहुत ईजिली जा सकता है। बट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो ये अपने न्यू लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर देगा एंड उसके बाद इसकी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। अब स्टॉक को बाय कहाँ करना है? आपको स्टॉक को बाय करना है जब ये 1205 रुपीज के ऊपर जाएगा एंड 15 मिनट्स की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करती है आप अपने एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं। इसका जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं इस लेवल से एक हेवी करेक्शन हमें देखने को मिला था एंड पास्ट में भी एक इसी लेवल से एक हेवी करेक्शन देखने को मिला था। तो ये लेवल हमारा सबसे पहला टारगेट है। ये लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट हो जाएगा एंड इसके लेवल्स और ऊपर खुल सकते हैं। स्टॉक का नाम था एफिल इंडिया। अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है MFSL। MFSL को अगर हम देखेंगे मैक्स फाइनेंशियल सर्विस को, बहुत बढ़िया इसके अंदर भी एक सिंपल कंसोलिडेशन था जो हम लोगों ने तिरुमलाई केमिकल्स के अंदर देखा था एंड जो हम लोगों ने
कार्बोरेंडम यूनिवर्सल के अंदर देखा था, उस पर तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला है, बट ये भी स्ट्रक्चर एक्जैक्टली सेम फॉलो कर रहा है। लेट मी शो यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक रेंज ड्रॉ करी हुई है। इस रेंज को सबसे पहले हम लोग एक बार फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं जब भी ये रेंज के नीचे था एक्जैक्टली इस लेवल पे हम लोगों को मल्टीपल सेल ऑफ देखने को मिलता था एंड ये रेजिस्टेंस फेस करता था। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने के बाद फाइनली इसने लास्ट 26th ऑफ अक्टूबर को रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद बाउंस करा एंड दोबारा नीचे आया, बट इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद स्ट्रक्चर सेम फॉलो हुआ, ब्रेक डाउन करा, एक फॉल्स ब्रेक डाउन देखने को मिला एंड अब डेफिनेटली ऊपर जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या देखा होगा कि जब ये एक ब्रेकडाउन आया था छोटी छोटी कैंडल्स के बाद और एक बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को देखने को मिली कि यहाँ पर एक सेल ऑफ स्टार्ट हो गया है, बट आफ्टर दैट एक गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने एक ऊपर बुलिश कैंडल बनाई और ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखिए अब सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम लोग अपना डिसीजन ही ले सकते हैं शॉर्ट और बाय का। जब हम लोगों ने ये रेंज ड्रॉ करी तो हमें पता चला कि ये एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है एंड आफ्टर गिविंग अ गुड इंपल्स मूव ये अब कंसोलिडेट कर रहा है। सो यहाँ पर इसका एक बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा था। अभी भी डेफिनेटली गाइज ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एट 1960 रुपीज का, करंट प्राइस इज 955 रुपीज। जैसे इसके ऊपर निकलता है एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। सो एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं एंड आफ्टर ओपनिंग अ 1 आवर टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हिडन शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट करा है ऑन आर लोअर साइड, और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो करंट प्राइस इज 954, हम लोग 961 के ऊपर बाय करेंगे अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, और हम लोग इसको इंट्राडे ऐसा लेकर चलेंगे बिकॉज हम लोगों को एक बुलिश कैंडल और अच्छी चाहिए जिससे हमें कंफर्मेशन मिल पाए टू ट्रेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज अ स्विंग ट्रेडिंग। सो मुझे लगता है कि 1000 प्लस तक भी स्टॉक जा सकता है, बट एक बुलिश कैंडल और चाहिए, तो उस बुलिश कैंडल को भी कैप्चर करने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को कल इंट्राडे में लेंगे। ठीक है, सो 961 के ऊपर हम बाय करेंगे, हमारा टारगेट होगा 980-990 ये आसपास का, बट जल्दी अर्ली एग्जिट आप लोग स्टार्ट कर देना इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। बट अगर ये 990 के ऊपर सस्टेन कर देता है और हम लोगों को लगता है कि लास्ट आर के अंदर ये एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज कर रहा है, तो एज अ स्विंग ट्रेड आप लोग अराउंड 3 बजे भी कल इसे बाय कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक ये थे हमारे गाइस 3 स्टॉक्स। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस का और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से कल काम कर सकते। तो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, क्लियरली हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखी थी कि इस लेवल पे हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर देखा था एंड उसके बाद एक फॉल आया था, ये पूरी मूवमेंट को हम लोगों ने कैप्चर करा था। अब हम लोगों ने कल जो डिस्कशन करा था, हम लोगों ने कल डिस्कशन ही करा था कि अगर इस नेक लाइन के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम लोग सीधा शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस, बट अगर इस लेवल के नीचे शॉर्ट नहीं आती है और वो ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो हम लोग एक छोटा सा बाइंग बना सकते हैं, बट वहां पर हम लोग अर्ली एग्जिट कर लेंगे। वाली बात हम लोगों ने कल करी थी कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, निफ्टी ऊपर है बैंक निफ्टी नीचे है तो वहां पर मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, तो कुछ कुछ प्रॉफिट्स लेकर आप लोग जल्दी बुक कर लेना। दूसरी बात हम लोगों ने करी थी, अगर आप लोगों को एक तमीज का फ्रेश बाय पोजिशन बनाना है निफ्टी और हमें पता लगे कि वो एक रिवर्सल आ चुका है तो वो हमें तभी बाय करना है जब इस जोन के ऊपर जाके ट्रेड करेगा, दैट इज 17,630 रुपीज। जैसे ये 17,630 के ऊपर सस्टेन करेगा हम बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 17,800-17,850 रुपीज का। बट आप एक स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से समझेगा, एक फॉल आया, एक पुल बैक लिया, दोबारा फॉल आया, अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक नहीं कर रहा एंड ऊपर गया, प्रीवियस हाइस को भी ब्रेक नहीं कर रहा, बट अगर कल के ट्रेडिंग सेशन पे अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक कर देता है तो एक टर्न अराउंड एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है बिकॉज आफ्टर डूइंग अ वेरी गुड लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, अब ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को हटा के एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर रहा है एंड एक हायर हाई एक हायर लो पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सो डेफिनेटली गाइस कल हमें करना क्या है, कल एक ब्रेकआउट इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जाता है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है, उस लेवल पे हम लोग बाय करने के मौके सेलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, बट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता हम लोग फ्रेश बाय पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की एंड उसके बाद वीडियो के सेशन को एंड करते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है एंड बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने सिर्फ एक ही ट्रेंड लाइन को अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन हम लोगों के पास थी एंड ये कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज भी फॉर्म कर रहा था। हुआ क्या यहाँ पर आप देखेंगे कि आफ्टर गिविंग अ फॉल इसने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इसने अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा नीचे आया, अपने इसने रिट्रेसमेंट लिया, अब इसे हम पुल बैक नहीं कहेंगे इसे रिट्रेसमेंट कहेंगे। रिट्रेसमेंट लेने के बाद आप देख रहे हैं ना जो प्रीवियस लोस थे वो हायर लेवल पे शिफ्ट हो गया है, तो मतलब एक हायर लो क्रिएट हुआ एग्जैक्टली जैसे निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिला था। अब इस लेवल पे आप देख सकते हैं इसने एक बेस क्रिएट करा है एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ बेस इसमें एक अप मूव आई थी।
अब एक अपमूव आई है तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक अपने प्रीवियस इस स्विंग हाई को ब्रेक कर सकता है। सो होगा क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस लेवल के नीचे मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर इस लेवल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है, दैट इज 37,200 के नीचे अगर 1 आर्क में कोई भी कैंडल क्लोज होती है बियरिश कैंडल, सो हम लोग सीधा शॉर्ट कर सकते हैं और तब हम लोग 36,500 मतलब 700 का पॉइंट्स का ड्रॉप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। बट अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है और अपने 37,580 के ऊपर चले जाता है, बिकॉज 37,500 दिसंबर के ओपन इंटरेस्ट पे भी हैवी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हैं, तो वहां पर थोड़ी बहुत फाइट रह सकती है 37,500 ब्रेक हो ना हो। तो अगर उस लेवल के ऊपर अगर 80 पॉइंट ऊपर चले जाएगा तो कॉल राइटर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पर पुट राइटर्स कंट्रोल ले सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे मार्केट ऊपर जा सकती है। सो मेरे हिसाब से 580 के ऊपर हम लोग एक फ्रेश बाय बनाएंगे विद द टारगेट ऑफ आर प्रीवियस स्विंग हाई, ये टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो क्लियरली शॉर्ट है, 700 पॉइंट्स का आप लोगों को एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। एफआई का डाटा सिंपल है, हम लोगों को वहां पर अभी भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, वो लोग अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, बार बार वो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, कैश के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी, एंड ऑप्शंस पे भी उन लोगों ने सेल ऑफ करा हुआ है। तो आज का डाटा चेक नहीं करेंगे ओपन इंटरेस्ट का भी एंड एफआई का भी, बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी थी तो बहुत ज्यादा पोजिशन स्क्वायर ऑफ हुए होंगे तो उस पर कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। सो आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आई है। इंस्टाग्राम पे जाके हमें जरूर फॉलो करेगा बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। आज तो हम लोग एक पोस्ट भी डालने वाले ऐसे टॉप पेनी स्टॉक्स जो आप लोग 2022 पे भी बाय करके चल सकते हैं, सो उसको जाके जरूर फॉलो करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। इसके अलावा गाइस अगर आप लोग क्रिप्टो पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने परसों बनाई थी 12-15% का रिटर्न इजिली दे चुके हैं। तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं बहुत सारे रिकमेंडेशन क्रिप्टो से रिलेटेड भी देता हूँ, स्टॉक से रिलेटेड भी देता हूँ, सो वहां पर आप लोगों को और नॉलेजेबल फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप आपको सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं आप लोगों से कल नई वीडियो पे, बाय बाय, हैव अ गुड डे।